नमस्कार, मैं सनोद कुमार DDUG के बाई स्कोप ट्रेनिंग सेंटर से मैं ट्रेनिंग करके आया हूं। और अभी हम सैदापुर गांव में पशुपालक जी से कुछ बातचीत करने आए हैं। यही बात करने आए हैं कि किस तरह से ये अपने गाय को चारा देते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या नहीं, इसी के बारे में कुछ हम पर्पस पे बात करना चाहेंगे। हाँ तो सर, उपेंद्र जी आप अपना नाम बताइए पहले। उपेंद्र पासवान पशुपालक पशुपालक। आप अपना ग्राम बोलिए, गांव कहाँ है? सैदापुर। पंचायत का नाम? कोंदी। आपका ब्लॉक पंडारक पड़ता है। पंडारक। पशु कितने पाले हुए हैं? तीन है। क्या है? तीनों गाय है। तीनों गाय। पशु के लिए कौन सा आहार खरीदते हैं? जवारी के भूसा देते हैं। अच्छा, और चोकर खरीद के लाते हैं। ठीक है। कहाँ से खरीदते हैं? बाढ़ से खरीदते हैं। बाढ़ बाजार से। पशु जब बीमार पड़ता है तो पशुपालक उनका इलाज कहाँ से कराते हैं? पूरन बिघा। डॉक्टर का क्या नाम है? पंकज कुमार सिंह। अगर आपकी पशु बीमार हो जाए तो क्या आप हमसे सलाह लेना चाहेंगे कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, इस सब के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं चाहेंगे। ठीक, पशुपालक संबंधित कोई भी जानकारी हमसे लेना पसंद है। अगर मान लिया छोटा मोटा कुछ हो जाता है, जैसे बुखार लग जाना, पैखाना उसका ख़राब होना, या कुछ भी सिम्टम्स, या चोट लग जाना, या जख्म हो जाना, तो क्या उसका ट्रीटमेंट आप हमसे करवा सकते हैं? हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर, यही हम पूछ रहे थे आपसे। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है, मैं DDUGKY स्कोप ट्रेनिंग सेंटर बेलदारी चौक से प्राइवेट का ट्रेनिंग करता हूँ। और मैं अपने गांव जावज में आया हूँ पशुपालक जी से बातचीत करने के लिए। वो पशु को किस तरह से रख रखाव करते हैं, कौन सा भोजन देते हैं, कैसे पालते हैं और कहाँ से इलाज करवाते हैं पशु को, तो चलिए आइए। पंचायत का नाम? ब्लॉक? आपके पास कितने पशु? एक गाय एक बच्चा। पशु का भोजन कौन सा भोजन देते हैं? पशु बीमार पड़ जाता है तो कहाँ से आप इलाज करवाते हैं? लोकल डॉक्टर। डॉक्टर का नाम? अखिलेश कुमार सिंह। तो आप बीमार पड़ जाएगा पशु को आप हमसे इलाज करवाएंगे? करवाइएगा ना, हम सीख के आ रहे हैं वहाँ से। थैंक यू। परवेज मुशर्रफ DDUGKY से आया हूँ आपके घर में गाय का सर्वे करने, जानवर के। तो पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद सनवाज। गांव? सिरोड़ी। पंचायत? सिरोड़ी। ब्लॉक? पालीगढ़। कितना पशु है आपके घर में? दो। और भी है? बकरी है। कितना बकरी है? चार। आहार यानी चारक कौन सा खिलाते हैं, क्या क्या? गेहूं के भूसा और कुट्टी दोनों मिला के खिलाते हैं। हम इसे चोकर रखता है, चिल्ली रखता है। अरे के कुट्टी बोल रहा है, गेहूं के भूसा। मिनरल मिक्सर में क्या देते हैं? मिनरल मिक्सर में क्या देते हैं? कैल्शियम वैल्शियम देते हैं? पशु बीमार पड़ता है? पड़ता है। तो इलाज कहाँ से करवाते हैं? डॉक्टर से। कहाँ का डॉक्टर? अरे डॉक्टर का नाम क्या है? संजू कुमार। हमसे गाय का इलाज करवाना पसंद करेंगे? आपको हमको थोड़ी मालूम है कैसे करेंगे। हम तो ट्रेनिंग पूरा करके आएंगे तो चाहेंगे कि हमें हमसे इलाज करवाना जरूर।
अच्छा करेंगे तो काहे नहीं कराएंगे। जानकारी हमसे जानकारी लेना पसंद आया आपको करेंगे। पसंद है लेकिन अभी आप वजह से बताइए कुछ अपने बारे में। थैंक यू। डी डी यू जी के वाई स्कॉप ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी हम पशुपालक से मिलने आए हैं, उसके रख रखाव के बारे में पता करने के लिए कैसे रख रखाव करते हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम शाहजहाँ खाती। घर? घर सिगोड़ी। पंचायत सिगोड़ी। पंचायत सिगोड़ी। थाना सिगोड़ी। कितने पशु पाले हैं? मेरे पास चार पशु पाले हैं। चारों गाय है, भैंस? भैंस है, भैंस के बच्चा है, बकरी है, बकरी के बच्चा है। बोली बकरी कितना है? बकरी चार है, दो भैंस है, चार बकरी है। कहाँ से आहार कहाँ से लाती हैं? आहार लाते हैं गांव में से, यही खेत दुकान में से, खेत में से खेती करते हैं। क्या खिलाते हैं? खिलाते हैं घास, खिलाते हैं भूसा, खिलाते हैं चुन्नी, चुन्नी चोकर यही सब खिलाते हैं, कैल्शियम वाला चीज तमाम। पशु जब बीमार पड़ता है तो कौन से डॉक्टर से इलाज करवाते हैं? पशु बीमार पड़ता है तो सबसे पहले तो गांव के डॉक्टर लाते हैं। अब जो भी रहे गांव के डॉक्टर, गांव के डॉक्टर ऐसे मेडिकल वाले पप्पू डॉक्टर हैं। और देहात के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनारी, उन्हीं से देख लाते हैं, पप्पू के यहाँ से दवा लाते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग से सलाह लेना चाहेंगे, इलाज करवाना चाहेंगे जी, जानकारी लेना पसंद करेंगे हम लोग से? बहुत पसंद करेंगे। मैं डीडीयू जीके बायोस्कोप ट्रेनिंग से मैं अपने गांव में हरजमा गांव में अपने पशुपालक जी से मैं बात कर रहा हूं कि पशुपालक को क्या खाना में खिलाते हैं या चारा क्या देते हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं जयप्रकाश कुमार। आपका क्या नाम हुआ सर? रंजीत कुमार। सर कितने गाय हैं आपके पास? दो गो। खाने में क्या देते हैं? घास, जिनोरा, भूसा। जिंदोरा है। और बकरी उकड़ी भी रखते हैं? नहीं। खाना को किस तरह से आप पशुपालक को रखते हैं? वही घास खिलाते हैं, भूसा है, वही चिल्ली वगैरह देते हैं। और आपको पंचायत क्या हुआ? अरे और ब्लॉक कहाँ है? मसौड़ी। और तो आप जिस गाय बीमार पड़ जाती होगी तो ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सा डॉक्टर आते हैं? तो घेरिया के है डॉक्टर, है रेमा भैंसवा के थी। डॉक्टर का नाम है कुछ? नहीं नाम वही लोग थे तो थोड़ी ब्लॉक थे। हाँ। तो ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या क्या दवाई देते हैं कुछ मालूम है? नहीं मालूम। नहीं तो जैसे आप में जैसे आप खाना खिलाते हो तो चारा और बांधने के लिए कहीं जगह है सही है? जगह है, घर है। तो आप मैं भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं किसी भी गाय को बुखार या कुछ फीवर ऊपर लगेगा तो क्या आपसे हमसे सलाह आप ले सकते हैं? हम ले सकते हैं। थैंक यू सर, हम यही आपसे पूछना चाह रहे थे।